अस्सलाम वालेकुम। एचएस की थ्री के ऑलमोस्ट हर लेसन के एंड पे एक वर्ड गेम रखी गई है लर्नर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो कि बेसिकली बहुत यूज़फुल एक मेथड है। इससे हमें पता चलता है कि चाइनीज लैंग्वेज के नए लफ्ज कैसे बनते हैं। अक्सर कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड भी वर्ड जो होता है वो कुछ सिंपल अल्फाज से मिलकर बना होता है। इवन के टेक्निकल वर्ड्स भी मैंने देखा है प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स भी चाइनीज लैंग्वेज के सिंपल सादा सादा वर्ड से मिल के बने होते हैं। तो जैसे जैसे आप ये वर्ड गेम को समझ के इसको ट्राई करते रहेंगे वैसे वैसे आपका माइंड उस हिसाब से खुलता जाएगा और बहुत ज़्यादा नए अल्फाज आपको खुद से ही समझ आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपको उनका स्ट्रक्चर पता लगेगा बेसिकली कि कौन से सादा सादा वर्ड्स के साथ ये बने हुए हैं। तो यहाँ पे ऊपर लिखा भी यही है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड कैच द मीनिंग्स ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड वंस, यानी कि आपने ऊपर वाले वर्ड्स को देख के खुद से गैस करना है कि न्यू वर्ड का क्या मतलब हो सकता है। बहरहाल मैंने आपकी सहूलत के लिए पहले से लिखा हुआ है। पहला वर्ड है लियो। लियो होता है ट्रिप, और इसके साथ है खरन यानी गेस्ट। खरन यानी गेस्ट होते हैं, और इन दोनों में से एक एक पार्ट लेके नया वर्ड बनाया जो क्या है योख। योख यानी टूरिस्ट, जो लोग टूर करते रहते हैं रेगुलर या वैसे भी, उसको चाइनीज में कहते हैं योख। तो कैसे बनाए ये, लियो का यो लिया और खरन का ख लिया, कि ऐसा गेस्ट जो ट्रिप का आ रहा है तो वो योख है। ऐसा ऐसा कुछ चीज़ें आपको इसमें मज़े की लग सकती हैं, कुछ में भी आपको बोरिंग लगे, लेकिन ओवरऑल इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है अगर आप समझ पाएँ तो। सेकंड वर्ड गेम क्या है, ए पहला लफ्ज़ है वाई पी एन यानी आउटसाइड, और ती फांग यानी प्लेस। आउटसाइड प्लेस, तो इससे न्यू वर्ड जो जनरेट हुआ वो है वाई ती। वाई ती यानी आउटर प्लेस, यानी आप जहाँ पे मुकामी जगह जहाँ रहते हैं उसके अलावा, चाहे वो आउट ऑफ सिटी है चाहे आउट ऑफ कंट्री है, उसको आप वाई थी कह सकते हैं। थर्ड वर्ड बड़ा ही सिंपल है, बेफंग यानी नॉर्थ, और मन यानी डोर, और इससे न्यू वर्ड जो जनरेट किया है वो है बेमन। यानी एक तो ये लोकेशन है, एक जगह है, ये जगह का नाम है लिखा हुआ है जो ताइवान में है। दूसरा आप सिंपल इसे शुमाली दरवाज़ा भी कह सकते हैं। वर्ड गेम बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़फुल ट्रिक है एडवांस स्टडी में, लेवल 4 में, लेवल 5 में। ये कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड वर्ड, अगर आप ये वर्ड गेम को समझ पाएँ तो उनके मीनिंग आप खुद से फिगर आउट कर सकते हैं। तो इसको इग्नोर ना कीजिएगा, ज़रूर इसको सीखें और अपने सजेशन देते रहिएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा अल्लाह हाफिज़।